गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइज आज मैं आप लोगों को इतिहास पढ़ाऊंगी और जो इतिहास पढ़ाऊंगी वो यूपीएससी और अदर राज्य के जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें यहाँ से सारे क्वेश्चन पुटअप होंगे। और अगर कुछ भी मिस्टेक लगती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइज मैं आपको बता रही कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी तो आप वहां पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आपको करेंट अफेयर्स डेली का PDF में मिलेगा और जो मैं लिखती हूँ वो मैं वहाँ पे डाल दिया करूँगी क्योंकि मैं भी तैयारी कर रही हूँ, आप लोग भी उससे अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और सारी बुक्स एंड नोट्स के PDF NCERT बुक आपको वहाँ पे मिल जाया करेंगी तो आप जुड़ के टेलीग्राम से अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। और इतिहास में आपको जैसे पता है प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत है, तो शुरुआत करूंगी प्राचीन भारत से और वहाँ से होती है इतिहास की शुरुआत। तो आपको मैं एक बात बताऊं, अगर मेरा यहाँ पे एक चैप्टर कंप्लीट होता है एक क्लास में तो मैं कम से कम उसे 10 से 12 क्वेश्चन पोस्ट में डाल दिया करूंगी, आप लोगों को वहाँ पे उसके आंसर देने हैं और टेस्ट लिया करूँगी जब पूरी एक यूनिट ख़त्म हो जाएगी। जैसे पाषाण काल ख़त्म हो गया तो उससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो मैं और सारे जो पुराने पेपर हैं ओल्ड पेपर प्रीवियस ईयर के उसके सारे क्वेश्चन निकाल के मैं वहाँ पर टेस्ट आपको दिया करूँगी तो आप लोगों को आंसर देने हैं। और मेरे साथ साथ आप लोगों को भी ये नोट्स बनाते जाना है क्योंकि मैंने सारे नोट्स NCERT से बनाए हैं जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पे सबसे पहले प्राचीन भारत, और ये प्राचीन भारत में कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ मैं इनके नाम बता रही हूँ कि सिलेबस क्या क्या है। तो सबसे पहले पाषाणकाल, उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता, और मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर प्राचीन भारत में कुछ भी इम्पोर्टेंट है तो सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता है। MP अभी UPSC में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कालीबंगन से यहाँ से, और हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आते हैं। जो इसके नगर जगह हैं उसके बारे में, जो शहर थे उसके बारे में हमेशा क्वेश्चन यहाँ से आना है 101%। उसके बाद में वैदिक सभ्यता, फिर महाजनपद काल, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, मगध राज्य का उत्कर्ष, सिकंदर महान, उसके बाद में मौर्य काल। उसके अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में कुछ इम्पोर्टेंट है तो ये मौर्य काल, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के क्वेश्चन यहाँ पे आने, और अशोक के क्वेश्चन आते हैं गाइस वो शिलालेख थे उसके, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो उसके बाद में ब्राह्मण साम्राज्य, भारत के यवन राज्य, शक कुषाण पल्लव, ये जो थे और भी हैं यहाँ पे छोटे छोटे हैं तो मैंने यहाँ लिखाए नहीं है। उसके बाद में गुप्त साम्राज्य, पुष्यभूति वंश, इसको या बर्धन वंश भी बोलते हैं। उसके बाद में गाइस दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, उसके बाद में सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय, फिर राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। गाइस ये इतना सिलेबस नहीं है, इसमें सिलेबस और भी ज़्यादा हैं। अभी मैंने ये जो मेन टॉपिक हैं वो मैंने यहाँ पे सारे करा दिए हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता एंड मौर्य काल सबसे ज़्यादा, लेकिन यहाँ से भी आ जाते हैं वैदिक सभ्यता से, और ये मगध राज्य का उत्कर्ष, और बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ये नहीं है कि अगर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है तो हम इनको छोड़ दें, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो चलिए गाइस शुरू करूँगी मैं सबसे पहले पाषाण काल, यहाँ से शुरुआत करेंगे। पाषाण काल सबसे पहला टॉपिक क्या है? पाषाण काल। पाषाण काल को आदिमानव काल भी बोला जाता है, जो पाषाण काल है उसको गाइस आदिमानव काल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो पाषाण काल है इसको तीन भागों में बांटा है, जो पाषाण काल है उसको तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। जो पाषाण काल है इसके तीन भाग हैं, कौन से? पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो इनकी डेट भी है कि पुरापाषाण काल का कब से था, तो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, ये लगभग में है गाइस, श्योर नहीं है, ये लगभग में है यहाँ पे। उसके बाद में मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व। अब ये मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि ये ईसा पूर्व क्या होते हैं, अभी मैं समझा दूंगी। उसके बाद में नव पाषाण काल,
तो नवपाषाण काल है 8000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व। अब गाइज ये मैंने इसलिए बनाया है, मैं चाहती आपको डायरेक्ट समझा सकती, जब आप मेंस लिखे हो तो आप मेंस में छोटा सा अगर आप 6 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हो तो वहाँ पे आपको अगर वहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि पाषाण काल को समझाइए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पाषाण काल तीनों ये भाग डेट बिल्कुल छोटे छोटे ज़्यादा नहीं है, एक एक लाइन में हो जाए, उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से कि आप पूरा पाषाण काल यहाँ पे लिखना है और उसके जो फैक्ट है वो कर, इससे गाइज आपको इतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप टॉपर की कॉपी भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने ईसा पूर्व बताया वो मैं आपको बता रही हूँ कि ईसा पूर्व एवं ईस्वी, तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर था जो ईसा मसीह के जन्म पर आधारित था, यानी जब ईसा मसीह का जन्म था तब ही ईस्वी का जन्म माना गया है, तब से ही ईस्वी लिखना स्टार्ट हुआ है, उसको बीसी भी लिखते हैं, इंग्लिश में बीसी लिखते हैं और हिंदी में ईसा पूर्व लिखा जाता है। तो बीसी का अर्थ होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसे ये कहा जाता है काय को, बीसी को। उसके बाद में ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती, जो ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती थी वो उल्टे होती थी, यानी आज 20 है तो 19 आएगी, जैसे अभी 21 चल रही है तो 22 आएगी, लेकिन वहाँ पे अगर 20 है तो 19 आएगी, उल्टी दिशा में होती थी। और क्वेश्चन कुछ नहीं आता, यहाँ से एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि जो ये ईसा पूर्व है इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो ईसा मसीह के जन्म पर ही इसकी उत्पत्ति हुई थी, और ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसका ये कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति भी ईसा मसीह के जन्म पर ही मानी जाती है। और जो ई है ई, इसको एडी बोला जाता है, एनो डोमिनी लैटिन भाषा में इसको बोला जाता है। तो गाइस ये कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ये समझाने के लिए था कि आप इसमें कंफ्यूजन ना हो कि ईसा पूर्व क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि ईसा पूर्व की जन्म की उत्पत्ति ईसा मसीह के जन्म पर ही मानी जाती है, और ये जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर इसमें इसका पूरा विवरण दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और ये ज़्यादा नहीं, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले पढ़ेंगे पुरापाषाण काल। तो चलिए शुरू करते हैं पुरापाषाण काल। तो यहाँ पुरापाषाण काल में जितने भी फैक्ट हैं मैंने सारे यहाँ पे आपको बता दिए हैं। और गाइज जब पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल हो जाएगा उससे फिर कुछ भी इस टॉपिक में और कुछ फैक्ट हैं वो मैं आपको क्लास में लास्ट में करवा दूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मैंने ये शॉर्ट शॉर्ट में लिखा है, क्यों, क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप ऐसे याद करोगे तो मेंस में आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। आज मैं तरीका बता रही हूँ कि आपको मेंस में लिखना कैसे है। तो सबसे पहले ये पुरापाषाण काल लिखा है, आप यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे पुरापाषाण काल, उसके बाद में जितने भी फैक्ट हैं अगर मैंने कह रही कि आप पूरे कर लो, मुख्य मुख्य हैं, सबसे पहले करना है कि इस काल में जो काम हुआ है उसको सबसे पहले पहली हेडिंग में ही आपको दिखाना है। तो सबसे पहले है स्थाई निवास नहीं था, यानी जो मनुष्य था, यहाँ के जो मनुष्य था वहाँ स्थाई निवास नहीं था, जो आदि मानव थे उनका कोई भी स्थाई निवास नहीं था, अगर आज इस जंगल में है तो कल कहीं और है, उनका कोई एक स्थाई निवास नहीं था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि किस काल में स्थाई निवास नहीं था मनुष्य का, तो ये पुरापाषाण काल है। उसके बाद में इनका भोजन, तो इनका भोजन दो चीज़ थी, एक था शिकार, इसको आकेटक भी बोला जाता है, यानी कहीं जा रहे हैं शिकार की खोज में, तो यहाँ आकेटक और शिकार, और ज़्यादातर क्वेश्चन आता है आकेटक से कि आकेटक मनुष्य का मुख्य भोजन क्या है, तो ऑप्शन में और कुछ नाम दिए जाते थे उसके बाद में आकेटक लिखा जाए, तो आपको वहाँ पर ये ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा। उसके बाद में है खाद्य संग्रह, यानी फल फ्रूट जो चीज़ें इनको मिल जाती थी, फल वगैरह हैं वो ये खाते थे, और कोई ऐसे भोजन नहीं था कि दाल चावल सब्जियां, ये कोई भी वहाँ पर नहीं था, ओनली शिकार, पहला नंबर है शिकार, ये शिकार बहुत ज़्यादा करते थे। और उसके बाद में है खाद्य संग्रह, और जो पशुपालन है तो पशुपालन बिल्कुल नहीं था इनके यहाँ, जो पशुपालन है कोई भी पशु नहीं था, जिन्हें कोई भी जानवर मिल जाए बस इनको करना था शिकार सबका, क्योंकि इनमें कोई भी इतनी ज़्यादा सोचने समझने की इतनी क्षमता नहीं थी, ना तो ये शिकार करते थे ना ये पशुपालन करते थे, ना इनका कोई स्थायी निवास नहीं था, आज यहाँ है कल कहीं और मिलेंगे, उस जगह पर आपको दोबारा ये देखने के लिए नहीं मिलते थे। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने पत्थर लिए, आपने पढ़ा होगा 6वीं क्लास की किताब है इतिहास की, उसमें आपने आदि मानव काल पढ़ा होगा कि इन्होंने दो पत्थर लिए
और एक था वहाँ पे बैठा हुआ था कोई शख्स, उसने पत्थरों को ऐसे घिसा तो उसमें से निकली चिंगारी। यहाँ इसीलिए यहाँ पर आग की खोज हुई। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो पाषाण काल है उसमें आग की खोज हुई। तो किस काल में हुई थी? वो पाषाण काल में। तो ये ऐसे बैठ के पत्थरों को घिस रहा था, वहाँ से उनकी कुछ चिंगारी सी निकली तो वहाँ से इन्होंने आग जलाना शुरू किया। तो फिर जो मध्य काल में ये भोजन बनाना सीख गए थे। फिर यहाँ पर सर्वप्रथम नर्मदा घाटी अतनोरा सीहोर, यानी जो नर्मदा घाटी है सर्वप्रथम वहाँ पे मनुष्य के नर कंकाल मिला था और खोपड़ी का साक्ष्य मिला था। यानी यहाँ पे जब इतिहासकारों ने खोज की तो उन्हें ऐसे पता नहीं था कि इंसान की उत्पत्ति हुई है जो आदि मानव थे। फिर इन्होंने जब खोज की तो यहाँ पे सर्वप्रथम नर्मदा घाटी कहाँ, तो नर्मदा नदी तो मध्य प्रदेश में है, और मिली कहाँ, तो हतनोरा। हतनोरा कहाँ आता है? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में। तो वहाँ पर इन्हें नर्मदा घाटी हतनोरा सीहोर में मानव की खोपड़ी एवं कंकाल मिला था और मानव निवास संबंधी साक्षी, यानी इन्हें पता चल गया था कि मानव का निवास है, उस साक्षी का भी इन्हें यहाँ पर पता लग गया था। तो क्वेश्चन आ जाता है सर्वप्रथम, यानी सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले यहाँ पर मिला है, तो मानव का खोपड़ी एवं कंकाल कहाँ मिला था? तो नर्मदा घाटी, वो कहाँ है? मध्य प्रदेश के हतनोरा में। और हतनोरा कहाँ है? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में। उसके बाद में गाइज यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा दी, तीनों का मेंशन है, पुरापाषाण, नवपाषाण और मध्यपाषाण, कि जो भीमबेटका है यहाँ पे पुरापाषाण की जो गुफा थी उनके शैलचित्र यहाँ पे मिले थे। तो जो भीमबेट, अब देखो यहाँ पे आ गई मेंस का, तीन नंबर का क्वेश्चन है गाइज, आ सकता है अगर आप MPPSC का एग्जाम दे रहे हैं और भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये प्रसिद्ध है। तो शैलचित्रों में सबसे प्राचीन गुफा है, इसीलिए ये किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो मैं बता रही हूँ कि आपको लिखना कैसे है, मैं बता रही हूँ, मैं ऐसे लिखती हूँ जैसे भीमबेटका है। सबसे पहले यहाँ पे इसके पॉइंट लिख लिए क्या क्या है, तो स्थिति लिख ली ये किस जगह पे है, फिर इसकी खोज, देन प्रसिद्धि काय के लिए है ये प्रसिद्ध, उसके बाद में यूनेस्को ने इसको कब शामिल किया गया था और उसके लिए विख्यात, काय के लिए ये विख्यात है। तो सबसे पहले जो भीमबेटका है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, वो सबसे प्राचीन गुफा है। उसके बाद में खोज, तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर महोदय ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1957 से 1958 के बीच में इसकी खोज की थी। उसके बाद में ये प्रसिद्ध पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण गुफा के यहाँ पर चित्र मिले हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। उसके बाद में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर की सूची में 2003 में शामिल किया गया था, इसको कर लिया गया है। और उसके बाद में विख्यात है तो ये शैल चित्रों के लिए है, और यहाँ पे जो शैल चित्रों की संख्या है लगभग 550 के समथिंग है, लगभग है और भी ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे अब जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे ही आपको नोट्स बनाने हैं। जो भीमबेटका चाहती तो मैं आपको इतना लिखा देती, मैंने यहाँ पे खोज भी लिखाई है, बल्कि खोज का कोई मेंशन नहीं, क्योंकि सिर्फ इसमें इसको इसलिए पढ़ाते हैं कि यहाँ पर इनके शैल चित्र मिले हैं, काय के पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल। लेकिन यहाँ इसलिए बता दिया कि आपको ये यहीं पे कवर हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आए, ये आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़े। उसके बाद में चलते हैं गाइस मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। तो आप पढ़ेंगे डिटेल में पूरा मध्यपाषाण काल, और ऐसे ही आपको नोट्स बनाते जाना है बिल्कुल सिक्वेंस में। तो सबसे पहले यहाँ पर भी मनुष्य का स्थायी निवास नहीं था, यानी जो मनुष्य था उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था। तो यहाँ जो मध्यपाषाण काल में यहाँ पर भी इनका कोई रहने का ठिकाना नहीं हो पाया था। उसके बाद में इन्होंने एक चीज़ कर ली थी पुरापाषाण काल में, क्या किया था कि आग की खोज कर ली थी और यहाँ पर पशुपालन करना सीख लिया। यहाँ पर इन्होंने क्या किया? पशुपालन करना सीख लिया था। और पशुपालन में सबसे पहले किस जानवर को इन्होंने पालतू बनाया? तो कुत्ते को पालतू बनाया। यानी इनका जो पशुपालन था उसमें सबसे पहले इन्होंने किस जानवर को पालना शुरू किया? तो कुत्ते को इन्होंने पालतू बना लिया था। यानी ये लोग कुत्ते को पालना शुरू कर दिया था इन लोगों ने मध्यपाषाण काल में। उसके बाद में भारत में पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो राजस्थान के बागौर जिले में और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के आदमगढ़ में मिलता है। यानी पशुपालन का सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य था वो एक राजस्थान के बागौर में मिला था और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के आदमगढ़ में मिला था। उसके बाद में
आग का प्रयोग, इन्होंने आग की खोज तो प्राचीन काल पुरापाषाण काल में ही कर ली थी, लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने आग का प्रयोग किया था। यानी जो आग का प्रयोग था वो कंटिन्यू हो गया था पुरापाषाण से, मध्य पाषाण काल में भी आग का काल चल रहा था, तो इन्होंने आग का प्रयोग यहाँ पर किया था। और सबसे इन्होंने मेन काम क्या किया था कि इन्होंने पशुपालन करना सीख लिया था, और पशुपालन में इन्होंने कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू बनाया, यानी कुत्ते को इन्होंने सबसे पहले पालतू बनाया था। अब जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, सब उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जिला है उसमें सराय नहर, महेदहा और दमदमा में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली हैं, कंकाल वगैरह मिले हैं, जो मैं यहाँ डिटेल में आपको बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सराय नहर में चार नर कंकाल एक साथ मिले, यानी जो चार नर कंकाल थे, यानी नर जो आदमी का कंकाल था, वो चार नर कंकाल का एक साथ साक्ष्य मिला था। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सराय नहर में। उसके बाद मैदहा में यहाँ से हड्डियों के आभूषण का साक्ष्य मिला, यानी जो हड्डियों के गहने होते थे उसका साक्ष्य यहाँ से मिला है प्रतापगढ़ के मैदहा से। और युगल समाधान, यानी जो जोड़े होते हैं, जोड़े से सबके जो सब मिला था, उनके जोड़े मिले हुए थे, तो युगल समाधान यहाँ पे उसके अभी साक्ष्य मिला है मैदहा से। सराय नहर से क्या मिला है? चार नरकंकाल का एक साथ साक्ष्य मिला है, और मैदहा से सो हड्डियों के आभूषण और युगल समाधान, यानी यहाँ पे जोड़ा मिला है, उसके जोड़े के सब मिले हैं। उसके बाद में दमदमा में यहाँ से पांच युगल समाधान, यानी पांच युगल पांच जोड़ों के सब मिले हैं यहाँ से दमदमा से, और तीन नरकंकाल का एक साथ साक्ष्य मिला है, यानी यहाँ पे तीन नरकंकाल और पांच युगल समाधान, यानी पांच जोड़े के सब मिले थे काय पे दमदमा में। और यहाँ पे चार नरकंकाल का एक साथ साक्ष्य मिला था, यहाँ पे हड्डियों के आभूषण और युगल समाधान मिला था, और यहाँ पे पांच युगल समाधान और तीन नरकंकाल का एक साथ साक्ष्य मिला था। तो गाइज, ये जो मैंने पढ़ाया है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 101% गारंटी मेरी है। तो आप इसको नोट करते जाना, और आप देख सकते हैं अगर इसमें कुछ गलती है तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट में। तो आप पढ़ेंगे नवपाषाण काल, तो आप नवपाषाण को पढ़ेंगे डिटेल में कि मनुष्य ने कृषि प्रारंभ कर दिया था, यानी जो मनुष्य ने कृषि को करना प्रारंभ कर दिया था, जो खेती होती थी उन्होंने यहाँ पे इसको कार्य करना शुरू कर दिया था। काय में करा है ये? नवपाषाण काल में। उसके बाद इनका स्थायी निवास हो गया था, इन्होंने स्थायी निवास भी कर लिया था, इन्होंने घर बस्ती बनाना शुरू कर दिए थे, घर थे बस्ती थी यहाँ पर जो मनुष्य ने शुरू कर दिए थे काय में, नवपाषाण काल में। सबसे पहला कार्य करा था इन्होंने, कृषि करना प्रारंभ कर दिया था, जो खेती होती थी उसको उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया था, और उसके बाद में स्थायी निवास इन्होंने शुरू कर दिया था, और घर और बस्ती बनाना शुरू कर दिए थे इसमें, और घर और अपनी बस्तियाँ बना ली थी। उसके बाद में पहिए का आविष्कार किया था, जो पहिया होता है उसका आविष्कार भी, जो लकड़ी का पहिया था उसका आविष्कार भी इन्होंने नवपाषाण काल में ही किया था। उसके बाद में भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य सबसे पहले मेहरगढ़ बलूचिस्तान में मिलता है। ये बलूचिस्तान कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में मिलता है। यानी जो कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य था भारतीय, जो भारत का उपमहाद्वीप है वहाँ में सबसे कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य तो बलूचिस्तान, और ये बलूचिस्तान में मेहरगढ़ में, और ये कहाँ है? पाकिस्तान से मिलता है। ये मेहरगढ़ में ही सबसे प्राचीनतम गेहूं का साक्ष्य भी मिला है, यानी कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं पर मिला है मेहरगढ़ में, और गेहूं का भी सबसे प्राचीनतम साक्ष्य ही मेहरगढ़ में मिला है। कब मिला था गाइज? तो ये मिला था 7000 लगभग 7000 ईसा पूर्व में इसका साक्ष्य मिला था, काय का? कृषि का और चावल, वो गेहूं का। तो ये कहाँ पर मिला है दोनों चीज़ें? तो ये मिली है कृषि और प्लस गेहूं, तो यहाँ पे ये साक्ष्य मिला है आपको, यहाँ मेहरगढ़ में ये साक्ष्य मिला है, और मेहरगढ़ है बलूचिस्तान की पाकिस्तान में।
ठीक है, उसकी ये चीज़ें यहाँ पे आपको मिली हैं। उसके बाद में जो भैंसों का पालन था उसका साक्ष्य नपाषाण काल में मिला है, यानी इन्होंने भैंसों का पालन करना भी शुरू कर दिया था और इसका साक्ष्य जो था वो नपाषाण काल में ही मिला था। उसके बाद में नवीन खोजों के आधार पर, यानी ये तो थी प्राचीन खोजें थी भारतीय उपमहाद्वीप की, उसके आधार पर जो चीज़ें मिली हैं वो मेहरगढ़ में मिली थी। यहाँ पे लिखा है नवीन, यानी जो नई खोज थी उसके आधार पर कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है, तो ये मिला है लोहदरगाह। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में, वहाँ पर इसका साक्ष्य मिला है काय का, कृषि का, और कृषि में काय का मिला है, चावल का। कब मिला था? तो 8000 ईसा पूर्व में इसका चावल का साक्ष्य मिला है। ये पुरानिक, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला था, तो गाइज आपको मेहरगढ़ ही लगाना है, वरना अगर आपने लोहदरगाह लगा दिया तो क्वेश्चन आपका डेफिनेटली गलत हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आता है कि नवीन खोजों के आधार पर, तो आपको लोहदरगाह लगाना है, और अगर ऑप्शन में मेहरगढ़ नहीं है और लोहदरगाह दिया है तो आपको ये लगाना है। तो गाय क्वेश्चन एक बार जरूर क्लियर कर ले, यहाँ पे ये देखो प्राचीन का है और नवीन खोजों के आधार पर लोहदरगाह संत कबीर नगर में चावल का साक्ष्य मिला था, और कब मिला था? तो 8000 ईसा पूर्व। उसके बाद में चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला था? तो कुल्डी हवा है इलाहाबाद में, यहाँ से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य काय का मिला था? चावल का। कब मिला था? 7000 ईसा पूर्व। अब एक बात गाइस देखना, देखो सबसे पहले यहाँ पे कृषि का मिला है, ठीक है, और कृषि में भी काय का, गेहूं का साक्ष्य मिला है। उसके बाद में यहाँ पे ये है, ये जो चावल का साक्ष्य है वो कोल्डी हवा में मिला है। कब मिला है? 7000 ईसा पूर्व। और जब नवीन खोज हुई थी तो उसके आधार पर लोहदरगाह संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में कृषि चावल का साक्ष्य मिला था। कब मिला था? 8000 ईसा पूर्व में। अभी गाइस ये खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे स्पेस कम था, तो चलिए गाइस और फैक्ट हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट, वो आप नोट कर लीजिए। जो फैक्ट हैं यहाँ पे ये नपाषाण काल के हैं, तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे पहला है कि जो होती है उसका सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला, तो उत्तर प्रदेश के महागढ़ा से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। काय का मिला था? जो का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के महागढ़ा से मिला था। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है, ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है, जिसे इंदिरा गांधी सागर मानव संग्रहालय भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भी कहा जाता है, सागर नहीं है, सॉरी। उसके बाद में कश्मीर के बुरजोम से मानव के गर्तावास, यानी जो मानव के गद्दा गर्ते, यानी गद्दे के नीचे गर्ते, गद्दे टाइप में घर होते थे, गद्दों की डिजाइन में अंदर को थे, तो वहाँ उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कश्मीर के बुरजोम से मानव के गर्तावास यानी गद्दा घर का साक्ष्य एवं मनुष्य के साथ कुत्ते का साक्ष्य मिला है। यानी जो कश्मीर का बुरजोम था वहाँ से गर्तावास यानी गड्ढा घर मनुष्य के साथ कुत्ते का साक्ष्य मिला है। उसके बाद में मानव ने सर्वप्रथम हथियार के रूप में किसका प्रयोग किया, कौन सा ऐसा हथियार था जिसको मानव ने हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग सबसे पहले किया था, तो वो थी कुल्हाड़ी, जो लोहे की होती है, ऐसी होती है गाइस कुछ ऐसे इस तरह से, तो उसका साक्ष्य मिला था, वो कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था। जो कहाँ से मिली थी, तो वो तमिलनाडु के अतिरपक्कम जो है जगह, ये कहाँ पे है, तो ये गाइस तमिलनाडु में है, और यहाँ से कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला था सबसे पहले, और इन्होंने सर्वप्रथम हथियार के रूप में भी कुल्हाड़ी का ही प्रयोग किया था। गाइस कुछ अब नए फैक्ट हैं जो मैं पेपर से निकाले हैं सारे एग्जाम से, तो मैं कुछ फैक्ट और करा दे रही हूँ, आप नोट कर लेना। उत्तर प्रदेश के जो पहला फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश के चौपानी मंडू कहाँ है, तो ये इलाहाबाद में है, और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, तो इलाहाबाद से
सबसे प्राचीनतम मृदवांड यानी जो मिट्टी के जो बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन को मृदवांड बोला जाता है, उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो चौपानी मांडो से मिला है। चौपानी मांडो कहाँ है? तो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में मानव ने सर्वप्रथम जौ का प्रयोग काय के रूप में किया? तो अनाज के रूप में, यानी जो अनाज था उसके रूप में सबसे पहले काय का प्रयोग किया? तो जौ का प्रयोग किया था। उसके बाद में मानव ने सर्वप्रथम धातु के रूप में, यानी जो धातु थी सोना चांदी, इसके रूप में सबसे प्रयोग काय का किया था सबसे पहले? तो तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया था धातु के रूप में, सबसे पहले प्रयोग। तो गाइस, तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया था धातु के रूप में। उसके बाद में ये है पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी, यानी जो कलाकृति होते हैं, जो कला होती है, कुछ बनाते हैं पेंटिंग वगैरह, उसकी खोज सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो पल्लावरम नामक स्थान पर हुई थी। उसके बाद में भारत में पूर्व स्तर के अधिकांश औजार काय के थे? स्फटिक, यानी ये क्या होता है? पत्थर के थे, यानी जो औजार थे ज़्यादातर औजार पत्थर के बने हुए थे। उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइज कि रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी, यानी भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में इसकी खोज की थी। काय की थी? औजारों की, जो के थे पुरापाषाण कालीन औजार थे उसकी खोज की थी। और कुछ फैक्ट हैं गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो उनको पढ़ लेते हैं। असम का श्वेतभ्रु गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है, यानी जो असम का श्वेतभ्रु गिबन है, कोई जानवर है जो मानव भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। उसके बाद में इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, जो इनाम गांव था, जो ताम्रपाषाण युग था उसकी क्या थी? सबसे बड़ी एक बस्ती थी। इसका संबंध कैसे था? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आता, कम आता, ये आता है। तो इसका संबंध था जोरवे संस्कृति से। कैसे इसका संबंध था जो इनाम गांव था? तो इसका जोरवे संस्कृति से संबंध था। उसके बाद में भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है, यानी जो भारत में शिवालिक की पहाड़ियाँ थी उसमें जीवाश्म का प्रमाण यहाँ पे मिलता है। इसके बाद में गाइस एक नोट है कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले थे, जो भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी कौन थे? रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया था, यानी जो भारत की जनसंख्या थी उसकी प्रजाति थी सबको अलग करके उसका विभेदीकरण किया था। किसने किया था? तो ये रिजले थे, इन्होंने किया था। ये कौन थे? भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी प्रथम व्यक्ति थे। और ये गाइज आपका यहाँ पे पाषाण काल पूरा खत्म हुआ। अब पढ़ेंगे कल सिंधु घाटी सभ्यता। तो गाइज यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर थे उसके सारे फैक्ट यहाँ पे मैंने सारे इस वीडियो में डाले हैं। तो आप वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो बिल्कुल एंड तक देखें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।